चलिए अब बात करते हैं सीरियल सुहागन की। भाई अभी तक तो बिंदिया के बड़े अच्छे दिन चल रहे थे, मतलब इनका राज्य चल रहा था, लेकिन अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या है ना कि इन्होंने एक गलती कर दी, अम्मा जी से बदसलूकी कर दी थी, फिर क्या कृष का माथा सरका और उसने भी सुना दी सजा। क्या किसी को उसकी गलती की सजा इस तरीके से मिलनी चाहिए जैसा कि इस वक्त कृष्ण दे रहा है बिंदिया को? अब बिंदिया जो कर रही है उसके पीछे एक मकसद है, उसके मकसद को कोई समझने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, और उस पर ही बिंदिया का हर काम सबको गलत लग रहा है। अब बिंदिया ने अम्मा के साथ कुछ ठीक नहीं किया, इसी को लेकर कृष्ण ने बिंदिया को सजा सुना दी है कि अब तुम्हें भी ये करना पड़ेगा जो मैं चाहूँगा। लाल मिर्ची जैसे तुमने हमसे कुटवाई थी, ठीक वैसे ही अब ये मिर्ची तुम्हें खानी पड़ेगी। वजह ये थी कि बिंदिया ने अम्मा को धक्का मार के उनका सर फोड़ दिया, तो इस बात पे बात हुई तो उसने बहुत बदतमीजी की, अम्मा ने उसे थप्पड़ भी मारा और फिर उसने पायल को थप्पड़ मार दिया और वो चली गई वहाँ से। जब मैं उसके पीछे जा रहा होता हूँ तो बाऊजी रोक लेते हैं, मतलब पापा रोक लेते हैं कि नहीं रहने दो। फिर अगले दिन फिर देखता हूँ कि वो लेप लगा करके गई है और वो फिर ये सब क्यों कर रही है, वो ड्रामा क्यों कर रही है, तो फिर उसको पकड़ के लेकर के आता हूँ कि तुमने ये जो अम्मा को धक्का मारा और ये जो किया ये बहुत गलत किया, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। बिंदिया के हाथ पैर बांध दिए गए हैं और जबरन उसके मुँह में मिर्ची ढकेली जा रही है। हाँ बट बोरा नहीं खिलाया, एक प्लेट मिर्ची खिलाई है, तो एक प्लेट मिर्च खिलाने से उसको थोड़ी अकल ठिकाने आ जाएगी। घर वालों को भी ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पायल और भाभी तो खुश हो रही हैं। बिंदिया का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। क्योंकि ये दर्द बहुत ज़्यादा है, गिल्ट बहुत ज़्यादा है इस बात का कि ये कैसे कर दिया मैंने, तो फिर मैं अपने कमरे में जाता हूँ, बैठता हूँ और फिर उसको तो दो चार मिर्ची खिलाई है और अपने कमरे में जा करके मैं कम से कम एक दो प्लेट मिर्च खाता हूँ गुस्से में। अब ये बदले की भावना का खेल न जाने कब तक चलेगा, ये किसी न किसी को इसका अंत तो करना होगा। लेकिन बात भी ये है कि हार जीत का फैसला तो हुआ नहीं है, तो इतने आसानी से कैसे कोई हार मानेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। रब से है दुआ में इबादत किडनैप हो गई है। हालांकि हमारे हीरो साहब आए उनको बचाने के लिए, यानी सुभान, लेकिन क्या है ना, एज यू ऑलवेज नो कि सीरियल्स की मैम्स जो होती हैं वो तो हीरो हीरोइन पर ज्यादातर भारी रहती है, तो बस अभी तो मन्नत ने सब किए धरे पर पानी फेर दिया है। जान चली जाए, रहन की भीख मत मांगना इबादत। छोड़ो मेरे चाचू को, बोल इसे छोड़े मेरे चाचू को, वरना जान से जाएगा तू, समझे? बस चीख टाइट करने की देर है, जाएगा ये। अब ये दो बहनों के बीच की लड़ाई नहीं रही बल्कि एक जंग बन चुकी है, और इस जंग में अब मन्नत के लिए सब कुछ जायज है। तभी तो आज फरहान ने इबादत और चाचू को किडनैप कर लिया ताकि वो उसका और मन्नत का प्लान बर्बाद न कर सके। बेचारी इबादत की मदद करने पहुंचा है सुभान, लेकिन मन्नत ने चोट लगने का नाटक कर उसे इबादत तक पहुंचने नहीं दिया। अरे सुभान, जरा थोड़ा आगे भी देख लेते, इबादत ठीक आपके पास ही थी और आप उसे बचा सकते थे। मैं
मुझे और इबादत दोनों को उन लोगों ने किडनैप किया है, क्योंकि हम लोगों को मन्नत के बारे में मालूम चल जाता है कि वो फरहान के साथ इन्वॉल्व होकर चीज़ें घर पे ख़राब कर रही हैं, ज्वेलरी चुराने का उनका प्लान था, करोड़ों की ज्वेलरी तुमको चुराना होता, तो हमें वो मालूम चल जाता है, तो वो हमें किडनैप करके स्टोर हाउस में, बाकी आप ये जो हाल के आप देख ही रहो क्या करते हैं हमारे साथ। इधर बेचारी इबादत और चाचू को फरहान ने अपनी कैद में रख लिया है और वो उन पर जुल्म कर रहा है। अब इबादत जितनी मासूम दिखती है ना उतनी ही तेज भी है, तभी तो उसने फरहान को सबक सिखाया और सारा का सारा पासा उल्टा पलट दिया। छोड़ो मेरे चाचू को, बोल इसे सुने मेरे चाचू को, वरना जान से जाएगा तू, समझे? बस चेक टाइट करने की देर है, जाएगा ये। अब वैसे ये तो मेरी चाल ऐसी नहीं थी कि यहाँ के इबादत पर ब्लेम आ जाएगा, बट इनडायरेक्टली आ गया तो नो लॉस, क्योंकि मैं तो बाहर गई थी सुभान के पीछे पीछे ताकि वो इबादत को ढूंढ ना ले, और वहाँ पे मैंने बचा लिया, सिचुएशन संभाल ली, खुद को चोट पहुँचा के। चाहे मेरी जुबान खींच ले, लेकिन आज मैं सबको सच बता कर रहा हूँ कि इबादत कौन है। भगवान रखे, मैंने कहा खामोश हो जाओ तो खामोश हो जाओ, जितना मारना है मारिए और मारिए ना, मारिए जितना मारना है मार लीजिए, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी, आज मैं सबको सच बता कर रहूंगी कि इबादत कौन है। इधर इबादत के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है, इल्जाम तो मन्नत पर लगना चाहिए, लेकिन घर में कायनात इबादत पर इल्जाम लगा रही है। आज तो इबादत के साथ सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। जी हाँ, आज हिना दे रही है इबादत का साथ। आज के बाद इबादत के खिलाफ तुम एक लफ्ज नहीं निकालोगी अपने मुंह से। भूत बन के क्या खड़ी हो, कबूल करो सबके सामने, आज के बाद इबादत के खिलाफ एक लफ्ज तुम्हारे मुंह से नहीं निकलेगा, बोलो। अब ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि हिना इबादत की तरफ हो सकती है, लेकिन कुछ भी कहो आखिरकार इबादत तो उनके बेटे का ही खून है। अब इस शादी के ड्रामे में कायनात ने एक और धमाका कर दिया है, क्योंकि उसने ऐलान कर दिया है कि वो मन्नत और सुभान की शादी नहीं होने देगी और वो इसके खिलाफ है। इस लेकिन हिना ने भी ये साफ कर दिया है कि शादी तो होकर रहेगी, और ये मेरा हुक्म है कि सुभान और मन्नत का निकाह होकर रहे। नहीं होगा, मैंने फैसला कर लिया है तो कर लिया है हिना बेगम। इस सीन में पहली बार हिना इबादत की तरफदारी करती है, जो औरत मतलब उसे आँख नहीं मिलाना चाहती, उसका नाम तक नहीं लेना चाहती, उसे अपना नहीं मानती, वो उसके साथ कैसे खड़ी है, इसका ताजुब तो सबको होगा। अब मन्नत की इस शादी में काफी खिचड़ी पक रही है, हालांकि वो तो सिर्फ जेवरों के पीछे है, क्योंकि उन्हें लेकर वो फरहान के साथ भागना जो चाहती है, लेकिन मन्नत इबादत आपको ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि उसने ठान लिया है कि चाहे उसके साथ कितना भी गलत हो जाए, लेकिन वो मन्नत को घर वालों के साथ ऐसा नहीं करने देगी। मुंबई से प्रिया थबड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए बालम थानेदार जी जो है ना वो अपने पुलिस वाले मोड में आ चुके हैं और कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। क्या है ना कि बुलबुल के कॉलेज में हो गया है मर्डर, जहां एक तरफ हमारे थानेदार बाबू अपनी इन्वेस्टिगेशन चलाए हुए हैं, वहीं बहू रानी यानी कि हमारी टीवी की जासूसी बहू, बिकॉज ऑल बहूज आर जासूस इनहेरेंटली, वो भी तो अपनी तहकीकात करेंगे। अब देखने में तो मजा ये आएगा कि किसकी तहकीकात पहले पूरी हो जाएगी। जी
खतरा बढ़ गया है। वो इसलिए कि क्योंकि अविनाश का जहां पर खून हुआ था वहां पर मिली है थानेदार साहब को एक पायल। और ये पायल शायद वही है जो थानेदार साहब ने कुछ दिनों पहले अपनी प्यारी पत्नी बुलबुल को तोहफे में दी थी। अब वीर के मन में ये सवाल तो आ रहा है कि कहीं ये पायल वही तो नहीं है। वही दूसरी ओर बुलबुल वर्णिका को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। उसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि परिवार की कोई बदनामी ना हो। वर्णिका को वो बचाना चाहती है और शायद वर्णिका को बचाने के चक्कर में ही ये पायल छूट गई। अब ससुराल वालों को फिलहाल इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब ससुराल वालों को अगर पता चलेगा तो बेचारी बहू रानी क्या करेगी, क्योंकि असली पता तो वही लगा रही है। कहने को पति थानेदार है, लेकिन यहाँ पर बुलबुल अपने पति थानेदार को भी पीछे छोड़ देगी और हम जानते हैं कि थानेदार से पहले वो केस को सॉल्व कर लेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए अभी तो माजरा शुरू हुआ है, मेरा मतलब है कि अभी सिलसिला शुरू हुआ है कैन फिल्म फेस्टिवल का। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे जाहिर सी बात है कि हमारे इंडियन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस और इन्फ्लुएंसर्स अपना जलवा दिखाएंगे। किसका लुक आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा वो एंड में हमें जरूर बताइएगा, मतलब टीआरपी आपके हिसाब से किसकी रही सबसे ज्यादा। बट फॉर नाउ चलिए टीआरपी देख लेते हैं सीरियल्स की। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है और टीआरपी चार्ट में अगर हम ये कहें कि रायता फैला हुआ है तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि 5-5 सीरियल है। अब हमने कहा ना कि रायता फैला हुआ है तो ये रायता यही है। डोरी पंड्या स्टोर कुमकुम भाग्य परिणीति और कुंडली भाग्य ने 5वें नंबर पर जगह बनाई है 1.2 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर भी रायता फैला हुआ है। इमली मंगल लक्ष्मी मेरा बालम थानेदार तारक मेहता का उल्टा चश्मा और भाग्य लक्ष्मी इन सभी सीरियल्स ने नंबर 4 की पोजीशन पाई है 1.3 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर ये दो दो सीरियल है उड़ने की आशा और शिव शक्ति तप त्याग तांडव 1.5 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर तीन तीन सीरियल है झनक गुम है किसी के प्यार में और सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है 1.9 रेटिंग के साथ। बात करते हैं अनुपमा की। अनुपमा नंबर 1 पर बरकरार है 2.3 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता था यही तो कहना पड़ेगा। आखिरकार अरमान ने किया ही कुछ ऐसा है, छीन लिया अबीरा का मंगलसूत्र, मिटा दिया मांग का सिंदूर। जाहिर सी बात है ये देखकर रूही तो झूम कर नाच रही है, लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं कि भैया ऐसा करने से पहले आपने सोचा भी नहीं तो क्या अरमान और अबीरा का रिश्ता कभी जुड़ा ही नहीं था। दूर मिटाओ।
ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आखिर दादी सा, आप कौन सी मिट्टी की बनी हुई हैं? ना चाहते हुए भी अबीरा और अरमान का आप तलाक करवा रही हैं, और अभी ये तलाक हुआ नहीं है कि आप चाहती हैं कि अरमान अबीरा के गले से मंगलसूत्र निकाल दे, उसकी मांग का सिंदूर पोछ दे। हालांकि अबीरा ने भी अरमान से ये बात कही, लेकिन वो इसलिए क्योंकि दादी चाहती है। अरमान सिंदूर मिटाओ। अब तो तलाक हो रहा है, कोई गुंजाइश है ही नहीं। ये फाइनल हो चुका है और अप्रूवल भी आ गया है, सब कुछ हो गया है, तो अब देयर इज़ नो लुकिंग बैक। अब तो वी आर नॉट ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना, मैं लगा कर क्यों घूमूँ। अब जिसके लिए था उसके साथ ही रिश्ता नहीं है, तो इससे अच्छा है कि उसने ये तोड़ दिया तो उसी के हाथ से ये भी मिटवा देते हैं, बिकॉज कोई पॉइंट ही नहीं है उस चीज़ का। पूरे घर वालों के सामने इतना बड़ा तमाशा हो रहा है और मजाल है कि कोई हिच्छू तक कर सके। आखिर क्या परिवार में ऐसा होता है, गलत होते बस देखा जाता है। मुझे भी लगा कि बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब ऐसे मंगलसूत्र निकालना या वाइप ऑफ करने की ज़रूरत नहीं थी। काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था एंड रूही भी काफ़ी शॉक्ड है कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसे भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दादी सा का वे है एंड दादी सा का टशन है, और अबीरा ने दादी सा को इतना यू नो रब कर दिया है रॉन्ग वे में कि अब दादी सा भी अपना दिखाएंगी ना फिर अपना, कि मैं यहाँ की बड़ी हूँ एंड मैं जो चाहूँ वो हो सकता है। किसी भी परिवार में इस हद तक रिश्तों को तोड़ा नहीं जाता है। वही घर में इस तमाशे के बाद मंदिर में भी तमाशा हुआ, जहां पर रूही ने अपने दिल की बात विद्या माँ से कह दी है। उसने ये कह दिया है विद्या माँ को कि मैं अरमान से प्यार करती हूँ। इसी खुशी में वो झूम रही है, नाच रही है। टेक ऑन दिस वो शी वॉज जस्ट सरप्राइज, बट ऑब्वियसली ऑल दिस वाइल वो यही चाहती थी कि उनका जो भी इनका झूठा रिश्ता है ख़त्म हो, एंड देन यू नो रूही को और अरमान को उसके प्यार को चांस मिले। बट अब ऐसा होगा कि नहीं वो आगे पता चलेगा, बट अभी के लिए हाँ कहीं ना कहीं दोनों अपने अपने रास्ते जाते हुए दिख तो रहे हैं। यस, घर वालों के लिए एक ऑप्शन ज़रूर खुल गया है। रूही को वो इतने टाइम से देख रहे हैं कि वो किस तरह से अपनी दोस्ती अरमान के लिए निभाती है, उसका कितना ख्याल रखती है, पूरी फैमिली में सबका ख्याल रखती है, एंड यू नो शी इज़ द गुड गर्ल ऑफ द हाउस। और स्पेशली जो फैमिली की अगर नज़र से देखो तो उनके लिए एक ऑप्शन तो ज़रूर खुल गया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। अब ये बात अबीरा ने भी सुन ली है और उसका दिल पूरी तरीके से टूट गया है। वैसे तो अब दिल बचा ही नहीं था, तो टूटे या ना टूटे इससे क्या फर्क पड़ता है अबीरा आपको? जिस रिश्ते को आपने कभी माना ही नहीं था वो अब टूट गया है, तो आपको इतना बिखरने की जरूरत नहीं है। इट इज़ वेरी सैड कि जिस तरह से घर वाले अबीरा के पीछे पड़ गए हैं। हाँ, वो थोड़ी सी इंसोलेंट है, थोड़ी सी उन घर वालों के हिसाब से इंसोलेंट है कि वो बदतमीज़ी करती है या ये बोलती है वो बोलती है, बट उसका अपना ओपिनियन होता है हर चीज़ के ऊपर। और कहीं ना कहीं अबीरा के इस स्टैंड से दादी सा का ईगो हट हो गया है, जिसकी वजह से दादी सा कैन नॉट टॉलरेट हर एट ऑल नाउ इन पोदार हाउस। जो 15 दिन में होने वाला था वो अब और कम टाइम में हो रहा है, तलाक हो रहा है, तो अब तो मैं अभी के अभी जा रही हूँ घर से बाहर, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था, तो शॉक एलिमेंट तो बहुत ज़्यादा है। कई दिनों से कहानी में रूखापन चल रहा है, बस किरदार रोए जा रहे हैं, रिश्ता टूट रहा है। ये सब देखकर दर्शकों के भी दिल टूट रहे हैं, क्योंकि वो तो इस सीरियल में केवल प्यार भरा रिश्ता देखना चाहते हैं अपने अरमान और अबीरा के बीच। इनकी खुद
खुशियों को किसकी नजर लग गई है, अब आगे ये खुशियाँ किस मोड़ पर आती हैं, आती भी है या नहीं, ये सब कुछ हम किस्मत के भरोसे पर छोड़ देते हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई अगर आप भी सोशल मीडिया पर हैं तो जहां देखेंगे वहां इन दिनों बस हीरा मंडी का ही खुमार है, एंड व्हाई नॉट। चलिए उसी के चलते अब आपको लिए चलते हैं सीधा नेहा अद्विक महाजन के पास। क्या है ना, इन्होंने जो मनीषा रानी का कमाल धमाल मेकओवर किया है भैया, 2 मिनट हम भी देखते रह गए। वाला किसी को हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है, और जब ऐसी अदाएं हो तो भला कौन नहीं फिसलेगा, वो भी तब जब आप किसी मलिका से कम ना लग रहे हो। बस फिर क्या, इसी नजाकत को आज सास बहू और साजिश आपको पेश करने जा रहा है, जहां नेहा अद्विक महाजन ने एक बार फिर अपनी कला का जादू चलाया और बना दिया मनीषा रानी को मनीषा जान, जो किसी भी हीरा मंडी की कलाकार से कम नहीं लग रही है। शूट ही इतना खास है तो क्यों ना सबसे पहले नेहा और मनीषा से जान लें कि क्या कुछ उन्होंने सोचा है इस फोटो शूट के बारे में, और किस तरह से आज नेहा करने वाली है मनीषा को तैयार। मनीषा, आज आप आए हैं मेरे साथ शूट करने मेरे एकेडमी पे, कैसा है आपका एक्सपीरियंस, क्या सोच कर आए हो कि क्या करने वाले हैं? आज हम लोग हीरा मंडी का कुछ रिक्रिएट करना चाह रहे हैं, और ट्रेडिशनल आउटफिट रहेगा, मेकअप रहेगा, और मैंने आपका मेकअप सब कुछ इंस्टाग्राम पे देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे तब तक लगता था कि यार, क्योंकि कुछ चीज़ें वीडियोज़ में अच्छी लगती, रियल में नहीं अच्छी लगती, बट मैं रियल में आपको देख रही हूँ और आई जस्ट लव योर मेकअप। इनका मेरा भी आधा हुआ है, अपना बाद में तारीफ करेंगे, तो अभी फिलहाल इनका कर रहे हैं। कोर्स मेरा जब मेकओवर हो जाएगा तो आप लोग देख के बताइएगा कैसा लगा। जी बिल्कुल, हम 2 लुक्स करने वाले हैं, बहुत ही डिफरेंट लुक्स करने वाले हैं, एकदम हीरा मंडी वाइब देने वाले हैं, क्योंकि वो आजकल फ्लेवर ऑफ द सीजन चल रहा है, सो हम उसे रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी ऑडियंस को कैसा लगता है। नेहा ने मनीषा के लुक को कम्प्लीट करने के लिए एक एक बारीकियों पर काम किया है, फिर वो मांग टीका हो या फिर हो उनका नथिया। मनीषा के लुक को देखने के बाद लग रहा है कि मनीषा हीरा मंडी की मलिका जान, बिब्बो जान या आलमजेब की तरह ही एकदम खूबसूरत लग रही है। तैयार होने के बाद मनीषा ने भी ऐसी अदाएं दिखाई कि उनके हुस्न को देखकर सभी उनके कायल हो जाएं।
बेसिकली आज हमने जो शूट किया है ये बहुत ही हीरा मंडी इंस्पायर्ड शूट किया है, बिकॉज मनीषा का ऐसा मन था कि हम हीरा मंडी का लुक रिक्रिएट करें, बिकॉज हीरा मंडी फ्लेवर ऑफ द मंथ चल रहा है. सो मैंने उनको वैसा ही एक लुक देने का कोशिश किया है. लेट्स सी एंड लेट्स आस्क मनीषा कि उनको ये लुक कैसा लगा. मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे फेस पे अभी कुछ एक्ने भी बहुत ज़्यादा निकल गए थे और मुझे लग रहा था यार कि पता नहीं मेकअप के बाद भी वो एक्ने छुपेंगे या नहीं छुपेंगे, लेकिन इन्होंने इतना अच्छा मेकअप किया कि अभी ऐसे वो पता भी नहीं चल रहा कि मेरे फेस पे कुछ था. तो जब अगर आपका स्किन क्लियर हो तो और कितना सुंदर मेकअप हो सकता है. तो मुझे इनके साथ काम करके, हाँ नथ गिर रहा है, गिरने दीजिए, बहुत परेशान हम लोग इससे, बट मुझे इनके साथ शूट करके बहुत मज़ा आया. तो मैं कह सकती हूँ कि अभी तक मैंने जिनसे भी मेकअप करवाया है ये वन ऑफ द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट हैं. मतलब रियली मतलब एक दो मेरी ऐसे है फेवरेट, बट आपने बहुत अच्छा किया. नेहा ने अपने मेकअप से वाकई में अपना जादू चलाया और मनीषा ने अपनी कातिलाना नजरों से सभी के दिलों को तार तार कर दिया है. उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी ये अदाएं काफी पसंद आई हो और ऐसे ही मनीषा अपने फैंस को हमेशा अपना दीवाना बनाती रहे. एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. सीरियल शिव शक्ति में शिव अभी ठीक हो ही रहा था, लेकिन अब जो हुआ है उसके बाद लगता है कहीं ये वापस अपनी पुरानी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में, यानी कि मेंटल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में ना पहुंच जाए. क्या है ना कि शिव की हालत बिगड़ी रहे इसके लिए मंदिरा ने ले लिया है शिव की माँ का रूप और उसके बाद शिव की हालत तो बिगड़ती हुई नजर आ रही है. तूने मेरा खून किया इसी चाकू से. दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो. शक्ति, शक्ति. अक्सर सीरियल्स और फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि जब किसी को बड़ी बेरहमी से मारा जाए और उसकी आत्मा को शांति ना मिले तो वो लौट कर जरूर आती है बदला लेने के लिए. थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है तो मंदिरा नहीं चाहती कि वो ठीक है, तो वो उसको वही रिमाइंड करिए बार बार कि तुमने अपनी माँ को मारा. मैं खुद गायत्री बन के जाके उसे ये बोलती हूँ कि तूने मुझे मारा बेटा, तूने मुझे मारा, तूने मेरा खून किया, ताकि वो फिर से ट्रिगर हो, वो और बढ़ जाए उसके मेंटल प्रॉब्लम्स. और आज मानो मंदिरा के अंदर भी गायत्री की आत्मा आ गई है क्योंकि वो बिल्कुल गायत्री जैसी लग रही है. अरे अरे डरने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मंदिरा की चाल है और वो जानबूझकर शिव के सामने गायत्री बनकर आई है. वो शिव को यकीन दिलाना चाहती है कि उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार वो खुद है. बेचारे शिव की हालत तो खराब हो गई है, उसे आज सच में अपनी माँ दिखाई दे रही है. जैसे ही उसे मौका मिलता है वो तुरंत ही कमरे से भाग जाता है. इधर दादी शिव को रोकने की कोशिश करती है लेकिन डर के मारे शिव दादी को भी धक्का दे देता है और दादी बेहोश हो जाती है. अब यहाँ इन सब का इल्जाम भी बेचारे शिव पर ही लगने वाला है क्योंकि यहाँ मंदिरा शिव को यकीन दिलाएगी कि उसने ही अपनी माँ का खून किया था और दादी की भी हालत का जिम्मेदार वो ही है. तो साजिश करती जा रही है मंदिरा चाची कि वो हर चीज़ शिव को डरा भी रही है और उसको ब्लेम भी कर रही है. उन्हें दादी को धक्का दिया तो तुम्हें भी उस चीज़ का प्रायश्चित करना पड़ेगा. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि अब शिव करेगा क्या प्रायश्चित करने के लिए. यानी कि शिव अब तक जितना ठीक हुआ था उतने ही सदमे में वो दोबारा से पहुंच चुका है. भाई आज तो शिव ने डरने की काफी अच्छी एक्टिंग की है और इतने भारी भारी सीन्स करने के बाद अब शिव को लग गई है भूख.
और सेट पर चालू हो गई है शिव और शक्ति की बड़ा पाव पार्टी। पर्दे के पीछे तो शिव का बॉन्ड पूरी कास्ट के साथ अच्छा है और दादी और शिव भी एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हैं। अब इतने भारी भारी सीन्स करने के बाद थोड़ी मस्ती तो बनती ही है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा जरा ये बताइए, आप घर में माता की चौकी किस लिए रखते हैं? ताकि घर में शांति रहे। लेकिन मंगल लक्ष्मी में ये जो मंगल की सासू माँ है भैया, इनका नाम ही शांति देवी है, क्योंकि इनके आसपास तो शांति दूर दूर तक भटक ही नहीं सकती, इनकी हरकतें ही ऐसी है। अब माता की चौकी पर इतनी अशांति फैलाई इन्होंने कि बस पूछे ही नहीं। वैसे हैविंग सेड दैट, भैया इनकी एक्टिंग देखकर तो आपका भी मन करेगा कि इनको स्टैंडिंग ओवेशन दी जाए। मंगल के घर मंगल काम हो रहा है, लेकिन ये क्या है शांति देवी यहाँ पर अशांति क्यों फैला रही है? अब शांति देवी का नाम भले ही शांति हो, लेकिन अपने नाम के वो एकदम विपरीत हैं। वैसे तो हमने इनकी हरकतों को कई बार देखा है, बनते हुए काम को बिगाड़ देती हैं, लेकिन आज इन्होंने माता के चौकी के मौके पर पूरा काम ही बिगाड़ दिया है। शांति देवी का ये अशांत वाला रूप देखकर सब डर गए हैं, क्योंकि कभी किसी ने ऐसा रूप इनका देखा ही नहीं था। ये शांति अशांति फैलाती है, कभी शांत तो ये रहती नहीं। नाम शांति है लेकिन शांति क्या होती है जानती नहीं। सबके बीच में पंगा करना, टांगे घुसेड़ देनी, अपनी बेइज्जती करानी और ऊट पटांग काम करने। अभी भी एक होने वाला है, अभी ऐसा ही कुछ सब इसको लताड़ भी देते हैं, लेकिन ये फिर वहीं आ जाती है, रबड़ की तरह खींच के वहीं आ जाती है। पर्दे पर आपको शांति देवी की ये एक्टिंग एकदम से जबरदस्त लगेगी, और पर्दे के पीछे भी इन्होंने कमाल कर दिया है। इस पूरे सीन को उन्होंने वन टेक में किया है, और मानना पड़ेगा एक एक्ट्रेस अपने आसपास में इतने सारे लोगों को देखकर भी कितनी बढ़िया एक्टिंग कर पाई, वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुई। आम तौर पर जब यूनिट में इतने सारे लोग हो तो एक्टर थोड़ा सा हिचकिचाता है इस तरीके के रोल करने से, लेकिन शांति देवी ने अपनी एक्टिंग से लोहा मनवा दिया है, और सेट पर सभी ने इनकी इस एक्टिंग की तारीफ की, तालियां भी बजाई। ये है मेरे अंदर, मेरे साईं की कृपा है, मेरे मालिक की, उन्होंने मुझे ये दिया है कि जब मैं सीन करती हूँ कितना भी हंसी, कोई भी हंसो, मुझे हंसी नहीं आती क्योंकि मैं सीन में चली जाती हूँ। अब माता की चौकी में आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये तो हम सब जानते हैं कि लक्ष्मी की भलाई ये चाहती ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर मंगल की सास को भी उल्टा पुल्टा कह दिया। अब कुल मिलाकर यहाँ पर मौजूद लोगों को यही लग रहा है कि शांति देवी के अंदर देवी समा गई है, लेकिन हम और आप दोनों ही जानते हैं कि शांति देवी एक कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। क्या इनका राज खुलेगा? क्या ये सबको पता चलेगा कि मैडम ड्रामा कर रही थी?
अब पता चले या ना पता चले, लेकिन हमने तो इस सीन को बहुत ही इंजॉय किया है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।